हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। राधे राधे। किस दिन है धनतेरस, यहाँ से जाने शुभ मुहूर्त और महत्व। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, दीपावली के उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है और यह भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। यहाँ से जाने किस दिन मनाया जाएगा धनतेरस, साथ ही जाने शुभ मुहूर्त और इस त्यौहार का महत्व। कुछ व्यक्तियों का कहना है कि यह त्यौहार इस वर्ष 29 अक्टूबर को होगा, जबकि अन्य का मानना है कि यह पर्व 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आइए आपके संदेह को स्पष्ट करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का उत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से होगा और इसका समापन 30 अक्टूबर को सुबह 1:15 पर होगा। इसलिए धनतेरस का पर्व मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर को गोधूली काल का प्रारंभ शाम 6:31 से होगा और ये रात 8:31 तक चलेगा। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1:42 का अवसर प्राप्त होगा। खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त, ऋषिकेश पंचांग के अनुसार धनतेरस के दिन विशेष शुभ मुहूर्त निर्धारित किए गए हैं, जिनमें जातक सोना चांदी आभूषण बर्तन भूमि आदि की खरीदारी कर सकती हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 7:50 से 1 बजे तक का है। यह समय वृक्षक लगन का है, जिसे स्थिर और अत्यंत शुभ माना जाता है। दूसरा मुहूर्त कुंभ लगन का है, जो दोपहर 2 बजे से 3:30 तक रहेगा। यह भी स्थिर और शुभ माना जाता है। तीसरा शुभ मुहूर्त प्रदोष काल का है, जो संध्या 6:36 से लेकर 8:32 तक रहेगा। इसमें से यह शुभ मुहूर्त सबसे उत्तम और शुभ माना जाता है। शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। धनतेरस का दिन धन समृद्धि और स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाता है। इस पर्व का संबंध चिकित्सा की देवता भगवान धनवंतरी और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा से गहराई से जुड़ा हुआ है। धनतेरस के अवसर पर लोग श्रद्धा दान और त्योहारी खरीदारी में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, क्योंकि इसमें भाग्य और आशीर्वाद लेने वाला दिन माना जाता है। तो फ्रेंड, ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। धन्यवाद।